एकम सनातन भारत दल के राष्ट्र पर्यवेक्षक श्री पवन कुमार धवन ने आज भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में दल की आगामी गतिविधियों एवं चुनाव संबंधी तैयारियों के विषय में जानकारी दी। इस अवसर पर प्रदेश के संयोजक श्री सुनील राव शिंदे जी, सह संयोजक एवं पूरे प्रदेश के संभागीय संयोजक अधिकारी उपस्थित थे। एकम सनातन भारत दल की मध्य प्रदेश बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एकम सनातन भारत दल विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। दल के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनता को हम तीसरा विकल्प देंगे एवं यह तीसरा राजनीतिक विकल्प मजबूती से देने की पूर्ण तैयारी है। राष्ट्र पर्यवेक्षक ने बताया कि देश में तेजी से हो रहे सनातन धर्म के लोप से बचाने के लिए दल जमीनी स्तर पर काम करेगा और इसके लिए दल ने सप्त संकल्प जनमानस के समक्ष रखे हैं। एकम सनातन भारत दल के अनुसार विधानसभा चुनाव में जाने हेतु प्रदेश में निम्नलिखित मुद्दे हैं। अविरल नर्मदा, माँ नर्मदे के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखें, विकास के नाम पे नर्मदा का दोहन हो रहा है। ग्रामीण रोजगार, शिक्षा, महंगाई, बेसिर पैर के अंधाधुंध वैज्ञानिक विकास से चहू और विनाश हो रहा है। जंगल के नाम से जाना जाने वाला मध्य प्रदेश आज पूरा बर्बाद हो रहा है। इन मुद्दों को लेकर जल जनता के समक्ष जाएगा। पार्टी के सप्त संकल्प संक्षिप्त रूप से संविधान में संशोधित करके सिर्फ 5% से कम जनसंख्या वाले समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देना, साथ ही भारत को विश्व के सभी सनातन धर्मियों का निसंगिक राष्ट्र घोषित कर उनके लिए नागरिकता का मार्ग खोलना, मंदिरों एवं मठों के सरकारी नियंत्रण से मुक्ति करवाना, कश्मीर स्थित भगवान भास्कर के प्राचीन वतंड सूर्य मंदिर, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी के ज्ञान वापी तीर्थ क्षेत्र की पुनः स्थापना करना, समस्त हिमालय राज्यों का सनातनी स्वरूप अनुशोधन करना तथा जम्मू एंड कश्मीर का पुनः गठन कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर हिंदू बहुल जम्मू संभाग को स्वतंत्र राज्य बनाना, गौ हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाकर गाय, गंगा और राम सेतु को राष्ट्र धरोहर घोषित करना, बफ एक एक्ट, प्लेस ऑफ वर्कशिप एक्ट सचर कमेटी के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करना, संविधान के अनुच्छेद 30 को संशोधित कर हिंदुओं को भी अपने स्वायत्त शिक्षण संस्था को संचालित करने का मौलिक अधिकार देना, जनसंख्याकी हमले को रोकना और जनसंख्याकी संतुलन स्थापित करना, लव जिहाद और धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाना, सम्मान नागरिकता संहिता लागू करना, केवल विकास नहीं अध्यात्म, संस्कृति, इतिहास, सामाजिक मूल्य, क्षेत्र, भाषा और पर्यावरण के साथ संपूर्ण विकास, साथ ही भारतीय सेना के परंपरागत ढांचे को अनुशोधन करना और सेना एवं पुलिस का सशक्तिकरण एवं आधुनिकीकरण करते हुए सैनिकों, पूर्व सैनिकों व उनके परिवार को उचित सम्मान दिलवाना। मेरा नाम पी के धवन है और केंद्र की तरफ से मैं इस समय भोपाल में अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए आया हूँ। हमारी पार्टी जो है उसका नाम है एकम सनातन भारत दल, जो इस समय पूरे इंडिया में चुनाव लड़ने जा रही है हिंदुत्व के नाम पर, और हम उसके लिए तैयारी में लगे हुए हैं। उसी विषय पर यह समझे आज हमारा यहाँ पे आना हुआ और हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग के लिए हमें हमारे इस मुद्दे जो मुद्दे लेकर हम पार्टी में जा जो देश में जा रहे हैं उसके लिए चुनाव लड़ना है, हमारे 7 विकल्प हैं। उन 7 विकल्पों को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम समाज में कौन से विकल्प लेके जाना चाहते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हमारी पार्टी 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव लड़ने जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इस बार हमें उम्मीद है कि हम केंद्र में तीसरा विकल्प बनके सामने आएंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो 7 विकल्प हम उनके साथ आपको बता रहे हैं। पार्टी का जो पहला संकल्प है जिससे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, संकल्प लेकर पहला संकल्प है कि संविधान में संशोधन करके केवल 5% से कम जनसंख्या वाले लोगों को मानवीय अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाएगा, उससे ऊपर वालों को अल्पसंख्यक की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। दूसरा संकल्प है मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराया जाएगा। कश्मीर में स्थित जो भगवान भास्कर के प्राचीन
मार्कंडेय सूर्य मंदिर है, मथुरा का जो श्री कृष्ण मंदिर है, और काशी के ज्ञानव्यापी तीर्थ क्षेत्र की पूर्ण स्थापना हम लोग करेंगे, ये हमारा मुद्दा है। तीसरा संकल्प हमारा ये है कि जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन कर कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर हिंदू बहुल जम्मू संभाग को स्वच्छ स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। भारतीय सेना के परंपरागत ढांचे को अक्षुण रखेंगे। इसका मतलब ये कि जो आजकल वो जो नया चलाए ना सेना अग्निवीर योजना चली है, उसको हम अग्निवीर योजना जो हमारी चली है उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि वो हमारे भारत के लिए और हमारी सेना के लिए ठीक नहीं। आपकी जो तैयारी है वो विधानसभा बार है या लोकसभा बार है? चार राज्यों में जो पांच राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं उसमें हम अपने कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं। ऐसी संभावना बन रही है कि लोकसभा चुनाव पहले तो तैयारी से बैठे हुए हैं और हमारे कार्य शुरू हो चुके हैं। और सर एक सनातन भारत दल जो बना मैं सात तक कल बता चार तीसरा था चौथा मैं आपको बता दें। गोहत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाना है। गाय गंगा और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर हम लोग घोषित करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं, हमारे द्वारा सरकार बनाई जाती है। और पांचवा संकल्प है हमारा वर्कशिप है 1991 एम सत्ता कमेटी को तत्काल निरस्त करना हमारी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। अनुच्छेद 30 को संशोधित कर हिंदुओं को भी अपने स्वास्थ्य शिक्षण संस्थान स्थापित करने एवं संचालित करने का मौलिक अधिकार होना चाहिए। धर्मांतरण में पूरी तरह से रोक लगाना हमारा लक्ष्य रहेगा, क्योंकि सब लोग जो अपने अपने धर्म ग्रंथों को खुले में पढ़ा सकते हैं लेकिन ये सुविधा हिंदुओं को नहीं है। इसके लिए हिंदू अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उसके लिए हम कृत संकल्प हैं। जैसे ही हम पार्टी सत्ता में आएंगे हम इस पर सबसे पहले ये सात संकल्प पूरे करेंगे और उसी को लेकर हम बस चल रहे हैं। जैसा कि देखा जा रहा है जाती है किस पार्टी समर्थन लेकर सरकार बनवाएंगे आप? हम तो पूरा समर्थन अपना ही पार्टी चाहते हैं कि हमारी पूरी पार्टी आए। हिंदू राज हम लाना चाहते हैं, राम राज हम इस भारत में लाना चाहते हैं और उसी के लिए हम आगे लड़ रहे हैं। हमने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया। मान लीजिए कि वो सीटें उतनी मिली हैं जो चाली है आपके पास आ गई सरकार बनाने की, तो किस पार्टी समझ लेंगे अब बनते उसी सरकार बनाएंगे? नहीं कह सकते की बात करेगा, हमारे सब संकल्पों में विश्वास व्यक्त करेगा और मध्य प्रदेश की भी जो हमारी कार्य योजना है उसको जो समर्थन देगा उसके साथ हम जाएंगे। लेकिन इस पे यदि कोई व्यक्ति आनाकानी करे तो हम किसी भी दल को समर्थन नहीं देंगे। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक ही है। यदि हम समर्थन देकर सरकार भी बनाएंगे तो ये मजबूरी में एक के साथ दूसरे साथ मिलकर सरकार बनाएंगे तो बेनकाब होंगे या फिर सब संकल्प के साथ। एक जरा सी बात अपनी तरह से कहना चाहता हूँ, अभी तक सभी दलों ने यह किया है। चुनाव जीतने के पहले कुछ बात और, चुनाव जीतने के बाद कुछ और। आदरणीय मोदी जी ने भी चुनाव जीतने के पहले तो हिंदुओं का साथ, चुनाव जीतने के बाद सबका साथ। हम इसको रोकेंगे। सर जैसे पार्टी के नाम है सनातन भारत दल, छह मुद्दे आपके बहुत अच्छे हैं, सातवां मुद्दे का हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लेंगे। हिंदू राष्ट्र को ये है, हम सनातन दल ये मानता है, ये अनादिकाल से सनातन मतलब जिसका कोई आदि न कोई अंत, ये अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र सनातन राष्ट्र है। कुछ संवैधानिक मजबूरियां हमारे सामने खड़ी कर दी गई है, हम सत्ता में आते हुए संवैधानिक मजबूरी को खत्म कर देंगे। हम स्पष्ट मानते हैं ये हिंदू राष्ट्र था है और आगे भी रहेगा। सर महिलाओं कितनी भागीदारी मिली पाएगी? महिलाओं सनातन में महिलाओं को प्रथम स्थान है, भागीदारी क्या होता है? सर्वोच्च है। मैं बोलना चाहूंगी महिलाओं की भागीदारी का सनातन धर्म में ये बात तो होती ही नहीं है, महिलाओं के बिना तो कुछ है नहीं। अगर देवी का स्थान ये होता तो है ही नहीं कि इतने परसेंट या उतने परसेंट और बाकी आप यहाँ देख भी रहे हैं। मैम महिलाओं की जिम्मेदारी देखिए, हम जो संकल्प है हमारे सात संकल्प सनातन धर्म के, हम उसी के हिसाब से समाज में इसका प्रचार प्रसार करना जरूरी है क्योंकि हम लोग वेस्टर्नाइजेशन से भी ज्यादा प्रभावित हैं। तो हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हुए कुछ हम लोग संवैधानिक चेंजेस भी करते हैं। सभी पार्टी महिला की बात करती है, बराबरी की हिस्सेदारी की बात करती है,
जब समय आता है तो सबसे अत्याचार शोषण महिलाओं का होता है, किस रूप में देखती हैं? देखिए ये बात सही है, लेकिन कमी भी आई है और हम लोग चाहेंगे कि और कमी आए। महिलाओं की भागीदारी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, लेकिन वैसी भागीदारी नहीं कि पंचायत में जो है सरपंच महिला होती है लेकिन उनके पति चलाते हैं, ये इससे भी थोड़ा हमें हटना पड़ेगा और सही भागीदारी हमें देनी पड़ेगी महिलाओं की, और उसके लिए चेंजेस धीरे धीरे रूप निकल से ही। सर पार्टी ने सारे मुद्दे सही है, बेरोजगारी के मुद्दे कोई भी शामिल नहीं करेगा, बेरोजगारी नजर नहीं आ रही पार्टी? हम लोग शामिल करेंगे, यहाँ के जो युवा हमारी एकम सनातन भारत दल पूरी तरह से, पहले तो शिक्षा की बात, शिक्षा को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, ये युवाओं को किस तरह से भागीदारी दी जाए, जरूरी नहीं सबको सरकारी नौकरी मिले, लेकिन जैसे कि हमारे अभी एक साथी ने कहा कि वो गौ पालन और बहुत सारी चीजें प्रकृति से जोड़ के, हमारे पास इतने संसाधन है और रोजगार लोगों को घर घर मिल सकता है। पहले सारा भारत का जो सनातन स्ट्रक्चर था वो स्वरोजगार था और बहुत अच्छी तरीके से लोगों को कोई बेरोजगारी की समस्या नहीं, उसी सनातन के सिद्धांतों पर चल के हम ये अपने यहाँ के युवाओं को बिल्कुल रोजगार मूलक शिक्षा भी देंगे और उनसे शिक्षा से जोड़ के उनको रोजगार मिल पाए, हर युवा के हाथ में एक काम हो, ये हमारे सनातन दल की प्राथमिकता भी रहेगी।